क्या मनुष्य के शब्द जो सामान्य मनुष्य से आते इतने सामर्थ्य हो सकते हैं कि वो जीवन और मृत्यु का फर्क लेकर आ सकते हैं? आशीष और श्राप, भलाई और असफलता, क्या इतना बड़ा फर्क ला सकते हैं? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे शब्दों का कोई अर्थ नहीं, लेकिन बाइबल तो इसका उल्टा ही कहती है कि ये इतने महत्वपूर्ण है कि ये फर्क लेकर आते हैं जीवन और मृत्यु का। Here is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life our ransom shed for us His precious blood, who is love will not remember, who can cease to sing His praise, He can never be forgotten, throughout heaven's eternal days. Who is love? Who is love will not remember, who can cease. Can never be forgotten throughout heaven's eternal day. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide, through the floodgates of God's mercy. And gracious time, grace and love like mighty rivers poured in cess from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Grace and love, grace and love like mighty rivers poured in steps and from above, and heaven's peace and perfect justice is to give to world and love. Truth, you do direct me by your spirit through your word, and your grace my need is meeting as I trust in you, my Lord. Of your fullness you are pouring, your great love empower me, without measure, full and boundless. Sing that again. Of your fullness you are pouring, your great love empower me, without measure, full and boundless, drawing out my heart. Grace and love like mighty rivers poured in steps and from above, peace and perfect justice is to give to world. Let's see it one last time. Grace and love like mighty rivers poured in sands and from above, and heaven's peace and perfect justice is to give to world and love. मेरे साथ निकालिए अध्याय 14, नीति वचन 14, वचन 30। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। चलिए न्यू किंग जेम्स वर्जन से पढ़ते हैं। इसमें सरल शब्दों में बताया है, बेकार बात करने वाला केवल गरीबी की ओर जाता है। हाँ, यहाँ ये दूसरा वाक्य इस तरह कहता है कि बकवादी जो है केवल घटी की ओर जाता है, यहां ये कहता है बकवादी, केवल बात नहीं करना, बकवादी, ये गरीबी की ओर ले जाता है। तो अभी मैं आपसे कहता हूं शब्द इतने सामर्थी है कि एक व्यक्ति को लेते हैं जो गरीब नहीं है और उसे गरीब बनाते हैं। और मैं आपसे कहूं यदि शब्द ऐसे जो किसी व्यक्ति को लेते हैं जो गरीब नहीं है और उसे गरीब बना देते हैं, गरीबी में लाते हैं, तो मैं आपसे कहूं कि शब्द एक गरीब व्यक्ति को लेकर उसे धनी बना सकते हैं। इसका उल्टा भी सत्य होना चाहिए। शब्द इतने सामर्थी हैं। किसके शब्द? ये नहीं कहता प्रभु के वचन या आपके शब्द के बारे में कहता है। किसके शब्द गरीबी की ओर लेकर जाते हैं? मनुष्य के शब्द। किसके शब्द धन संपत्ति लाते हैं? मनुष्य के शब्द। मनुष्य के शब्द इतने सामर्थी है। देखिए, लोग इस बात को नहीं जानते हैं, जो अपने मुंह से वो कहते हैं वो इतना सामर्थी है, वो नहीं समझते कि उनके शब्द उन्हें गरीब कर सकते हैं और उनके शब्द धनी बनाते हैं। आपको क्या चाहिए उसे चुन ले। ये इतना गंभीर है। जब आप जानते हैं, जब आप इस तरह से जोड़ते हैं, तब जानते हैं, कहते हैं मेरे प्रभु ये ऐसा है। इंग्लिश बोलने वाले देशों में मैंने कई बार देखा लोग कहते हैं, खैर आप जानते हैं मैं गरीब हूं लेकिन इस पर मुझे घमंड है। कई बार मैं उनसे कहता हूं प्रभु आपको इन दोनों बुरी दशा से छुटकारा दे दे। गरीब और घमंडी। मैं गरीब हूं और घमंड करता हूं। मतलब यदि आप इस तरह से बातें करते हैं तो आपको इससे कुछ बेहतर नहीं मिलेगा। और फिर आप शिकायत करते और कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है। आपके शब्द इतने सामर्थी है, लोग इसे नहीं जानते। वो सोचते हैं उनके शब्द कोई अर्थ नहीं रखते। मैं जो कहता हूं उसका कोई मायना नहीं। भाई, सर्वसामर्थी परमेश्वर ने कहा है। हाँ, नहीं, परमेश्वर ने आपको इस तरह से बनाया है। उसने कहा तुम्हारे शब्दों का महत्व है। कमी घटी के बारे में तुम बात नहीं करना। इस बात के बारे में कुड़कुड़ाना नहीं कि कैसे कीमतें बढ़ रही हैं, कैसे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ घट रहा है, हमेशा कमी घटी होती है। इन बातों के बारे में न कहें। तो लोग कहते हैं हम किसके बारे में बातें करें? कीमतों को तो देखिए। कीमतों को मत देखिए, परमेश्वर के वचन को देखिए। हेलो, किस वचन में वो कहता है कि कीमतों को देखते जाओ? प्रभु वचन को देखते जाए, देखे प्रभु ने क्या कहा है। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है मेरा प्रभु अपने महिमा में धन के अनुसार सारी जरूरत पूरी करेगा। मसीह यीशु के द्वारा जवान सिंह भूखा रह जाएगा, लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखते उन्हें कभी किसी भली चीज की कोई कमी नहीं होगी। कीमत बढ़ती है तो फिर क्या बात है? मुझे नहीं लगता कि काफी होगा। अब जानते हैं कि आप क्यों काफी नहीं कमाते हैं, क्योंकि हमेशा आप वही तो कहते आए हैं, हम काफी नहीं कमा पा रहे हैं। जब आप मुंह खोलकर यह कहने का निर्णय लेते हैं कि मैं इसे कर दिखाऊंगा, मेरी कमाई बढ़ती जाएगी, मैं बढ़ते जाऊंगा, मैं बहुगुणित हो जाऊंगा, फलवंत हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है। प्रभु ने मेरे हाथों के कामों पर आशीष की आज्ञा दी है। मैं जो भी करूंगा प्रभु उसमें आशीष देगा। मुझे कभी किसी चीज की कमी और घटी नहीं होगी। मैं रहूंगा इस संसार में प्रभु की संतान के रूप में, पूरी आत्मा और प्राण और शरीर में। हम ये क्यों नहीं कह सकते? देखिए, विश्वासी इसी के बारे में है। देखिए, विश्वासी जो विश्वास करता है वो कहता है, जो देखता है वो नहीं। हम विश्वास करते और इसीलिए कहते हैं। ये नहीं कहता कि देखते और इसीलिए कहते हैं, महसूस करते और इसीलिए कहते हैं। ये नहीं कहता कि अखबार ने कहा और इसीलिए हम इससे कहते हैं। लोग इस बात को नहीं समझते और वो कहते हैं कैसे इससे नहीं कह सकते हैं। खबर तो हर समय मंदी के बारे में ही बताती जाती है। इसलिए मंदी के बारे में मैं कहता हूं, बाइबल हमेशा आशीष के बारे में कहती है। हेलो, तो फिर मंदी के बजाय आप आशीष के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? आशीष मंदी पर जय पाएगी। आशीष मंदी से बढ़कर है। आमेन। मंदी तो जो है वो खत्म हो जाएगी जब आशीष आएगी। आशीष हावी होगी और इतना ज्यादा बढ़ेगी कि आप मंदी के बारे में भूल जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आशीष सब कुछ निपट लेगी। आमेन। चलिए आगे चलते हैं। अध्याय 15 वचन 4। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। चलिए मैं पढ़ता हूं एक और अनुवाद। नॉक्स ट्रांसलेशन इस तरह से कहता है, जो जीव शांति की बातें करती है वह ऐसा फल देती है जो जीवन लाता है। अनुशासनहीन जीव तो दिल तोड़ देती है। लिविंग बाइबल इसे इस तरह से बताती है, इस तरह बताती है, शुरू के भाग को इस तरह से बताती है। नम्रता के शब्द तो जीवन को लेकर आते हैं। मुझे पसंद है, नम्रता के शब्द जीवन और तंदुरुस्ती लाते हैं। शब्द नहीं, नम्रता के शब्द, क्योंकि शब्द तो पात्र होते हैं। आप रख सकते हैं, उस पात्र में अच्छे और बुरे को, कठोरता या फिर मधुरता रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी एक बर्तन को लीजिए, जैसे टिफिन बॉक्स होता है, बच्चे अपने साथ लेकर जाते हैं, ठीक है, कंटेनर है, छोटा बक्सा है। आप क्या रखते हैं वहां पर? मीठा रख सकते हैं, रख सकते हैं सारी मिर्ची वाली चीजें, जो भी आप चाहे रख सकते हैं, खाने की चीजें रख सकते हैं, चॉकलेट रख सकते हैं। कुछ लोगों ने इसमें बम रखना सीखा है, क्योंकि जब सड़क पर चलते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि आप लंच लेकर चल रहे हैं, तो उसमें बम रखते हैं। देखिए, वो कंटेनर एक जैसी है, जैसे लगता है बच्चे का डिब्बा भोजन है या किसी का भोजन उसमें है, लेकिन उसके अंदर जो है वो अलग है। शब्द ऐसे ही है, शब्द पात्र हैं। इसलिए नम्रता के शब्द हो सकते हैं, कठोर शब्द हो सकते हैं, मीठे शब्द हो सकते हैं, तीखे शब्द हो सकते, आप जो उसमें रखते हैं वो अलग हो सकता है। शब्द तो पात्र हैं, आप उसमें क्या रखते हैं ये महत्वपूर्ण है। आप क्या रखते हैं? उदाहरण के लिए लीजिए शब्द हेलो, ठीक है, HELLO। कितने अलग तरीके से आप ये हेलो कह सकते हैं। मैं चाहता हूं आप समझ ले मैं चाहता हूं आप समझ ले शब्द तो पात्र हैं। मैंने इस भाई को काफी समय से नहीं देखा है, ये मेरे दोस्त हैं, तो अगर आज वो मुझसे मिलने के लिए आते हैं तो मैं कहता हूं हेलो। देखिए, इसमें मित्रता है। मैंने यहां पर इसमें कुछ रखा है, हेलो, ये क्या है? इसमें मित्रता का भाव है। इनको देखकर खुशी हुई, मैं बहुत खुश हूं, मैं कहता हेलो। जानते हैं, जब सड़क पर कार चलाता हूं, कोई सामने आना चाहता है तो खिड़की नीचे करके चिल्लाता हूं हेलो। ये वही हेलो है, लेकिन अलग हेलो है। इसमें अभी कुछ और ही बात आ गई है, ठीक है। हेलो ये अलग हेलो है। ये हेलो अक्सर मैं यहां पर उपयोग करता हूं। इसका अर्थ है, क्या आप इसे समझ गए हैं? क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप जागे हुए हैं? क्या इसे समझ पा रहे हैं? यह है हेलो। देखिए, मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप इस बात को समझ रहे हैं या नहीं, या मैं गुस्से में आकर कह सकता हूं हेलो, जानते हैं, या फिर बड़ी मधुरता से या मित्रता से आकर कह सकता हूं हेलो, जानते हैं, और भी 10 तरीके से कर सकता हूं। इसके बारे में सोचिए। एक शब्द है उदाहरण के लिए, यानी शब्द तो पात्र हैं, एक हेलो, लेकिन हर समय जब मैं कहता हूं तो अलग तरह से कहता हूं, इसमें अलग बात होती है। शब्द ऐसी हैं, ये तो पात्र हैं, आप उसमें क्या रखती हैं। कुछ लोग कहते हैं, इनसे पूछिए भाई, मुझे पता नहीं मैंने क्या कहा, ये बहुत बड़ी बात बना रही है। मैंने क्या कहा? आपने जो कहा वो तो शब्द थे, अच्छे शब्द थे, लेकिन उसके अंदर में क्या था? यही बात है, उसमें क्या था, यही बात है। और यही तो वो बात है जिसने दिल को तोड़ा है, जैसे ये कहता है। आप इसमें क्या रखते हैं? देखिए, यही तो ये कहता है कि जो जीव शांति की बातें करती है, उसमें आप शांति रख सकते हैं, उसमें आप आनंद रख सकते हैं, उस शब्द में आप खुशी रख सकते हैं, उस शब्द में आप चंगाई रख सकते हैं, हाँ, उस शब्द में प्रेम रख सकते हैं, या फिर उस शब्द में आप नफरत रख सकते हैं, यहाँ पर आप नफरत रख सकते हैं, इस शब्द में कड़वाहट रख सकते हैं, हर तरह की चीज रख सकते हैं। आप जो भी रखें वो बाहर आएगा, शब्द तो वही रहेंगे, लेकिन उसमें जो है वो अलग है। पति खाने के लिए बैठता है, सामान्य रूप में वो कहते हैं हूं, लेकिन उस हूं में ये अच्छा हूं है, लेकिन फिर भी यही हूं बहुत कठोर होता है, हाँ, अब ये तो अलग है। ये तो कोई शब्द भी नहीं है, बस आवाज है, लेकिन इस आवाज में आप बहुत कुछ रख सकते हैं, जानते हैं। और पत्नी जानती है ये हूं वो कल के जैसे नहीं था, ये तो अलग है। फिर वो लड़ते हैं और फिर पास्टर या काउंसलर के पास में जाते हैं। इनसे पूछिए कि मैंने क्या कहा है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, आपने सही शब्द कहा है, लेकिन उसमें गलत चीज रखी गई थी। ये समस्या है। इसने क्या किया, दिल तोड़ दिया, इसने नुकसान किया। शब्द ऐसे ही हैं। देखिए, ये पात्र हैं। आप प्रेम, आनंद, मेल, शांति सब कुछ रख सकते हैं, या फिर नफरत और कड़वाहट रख सकते, हर तरह की बुरी चीजें रख सकते हैं। यहाँ पर तीर के जैसे हैं। भजन शब्दों को तीर कहता है। एक बार आप धनुष के ऊपर तीर चढ़ाएं और फिर उस धागे को छोड़ दे जिससे तीर छूटता है, और एक बार छोड़ दे तो कोई आशा नहीं, वो वापस नहीं आएगा। जिस निशाने की ओर छोड़ा उस पर जाएगा। उसे छोड़ने के बाद में आप ये नहीं कह सकते तीर थोड़ा सा बाएं जाना, उसे मत मारना, वो मेरा मतलब नहीं। जानते हैं, आप नहीं कह सकते रुक कर वापस आओ, नहीं, क्योंकि वो चला गया। आपने चुना है कि उसे छोड़ दे, उसे जाने दिया, आपने चुना है। इसलिए जब तक वो आपके हाथ में है, अभी भी आपके नियंत्रण में है, लेकिन छोड़ने के बाद नियंत्रण में नहीं होते हैं। शब्द ऐसी है, इसलिए उसे तीर कहा गया है। वो ऐसे ही है। एक बार वो आपके मुंह से छोड़ दिए जाते हैं, एक बार वो चले जाएं तो चले जाते, और वो दिल को पूरी तरह से भेद देती हैं, जीवन तोड़ते। और फिर मानो आप हॉस्पिटल में जाते हैं और उस पर टाँके लगाते हैं और फिर कुछ समय तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं, ठीक होते हैं, और फिर सोचते सब कुछ भुला दिया गया, लेकिन निशान वहां पर होता है। और फिर 10 साल बाद वो कहते, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया 10 साल पहले। ठीक है। अभी भी वहां है, क्योंकि शब्द ऐसे जिसे आसानी से वापस नहीं ले सकते हैं। लोग कहते अपने शब्द वापस लेता हूं, नहीं ले सकते हैं। ये तीर के जैसे है। बाइबल कहती है ये तीर के जैसे है। आप कैसे तीर को वापस ला सकते हैं? तीर को वापस लेने की कोशिश करें, नहीं कर सकते। आप कहेंगे मैं वापस लेता हूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, और इसीलिए जो बाइबल को जानता है, शब्दों के बारे में सावधान होता है, वो अपने शब्द वापस नहीं लेता, जानता है वो नहीं कर सकता है, और इसलिए वह ऐसे अपने शब्दों को नहीं खोल सकता है। उसके मन में जो आता है उसे नहीं खोलता है। वो वहां रुकता है और सोचता है, मूल्यांकन करता, और देखता है कि ये किस तरह के परिणाम लेकर आएगा। वो इसमें क्या रख रहा है, वो जाकर क्या करेगा, इसके परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में सोचता है, और फिर केवल तब उसे खोलता है, नहीं तो फिर उस तीर को बैग में रख देता है। हेलो। अध्याय 16 वचन 21। जिसके हृदय में बुद्धि है वो समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। वचन 24। मनभावने वचन मदभरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ये कहता है शब्द कैसे मधुर हो सकते हैं। आपके शब्द, चलिए दूसरे शब्दों में कहूं, ये टॉनिक जैसे हो सकते हैं। ये टॉनिक जैसे हो सकते हैं आपके शरीर और प्राण के लिए। वचन 24 यही तो कहता है। ये तो आपके शरीर के लिए टॉनिक हो सकते हैं और हड्डियों के लिए तंदुरुस्ती हो सकते। प्राण के लिए मीठे और हड्डियों के लिए तंदुरुस्ती होते हैं। जब आपके शब्द मधुर होते हैं तो ये टॉनिक है आपकी हड्डियों और आपके प्राण के लिए, भीतरी और बाहरी मनुष्यत्व के लिए। बहुत से लोग मेडिकल शॉप में जाते हैं और खरीदते हैं टॉनिक्स, महंगी चीजें लेते हैं, उसे खाते हैं, लेकिन उनके मुंह से क्या बाहर आता है? उससे जो भी खाया वो बर्बाद होता है। वो टॉनिक काम करने के लिए है, लेकिन शब्द उसे काम करने नहीं देते हैं। शब्द आपके टॉनिक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शब्द, जो शब्द आप कहते हैं, ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण है उस टॉनिक से भी ज्यादा, क्योंकि शब्द तो ज्यादा सामर्थी हैं। ये बहुत ही मजबूत आत्मिक सिद्धांत है, और इसके बारे में अच्छे से लिखा है कि शब्द चमत्कार करते हैं। जानते हैं, लोगों ने डॉक्यूमेंटेड किया है। वो कहते हैं, किसी ने कुछ समय पहले लिखा था और मैंने इसे भी पढ़ा, यहां तक कि जो बीमार लोग हैं, जो बेड पर है, गंभीर दशा में हैं, बस वो हिम्मत नहीं हारते, इसलिए उनमें हिम्मत न हारने वाली आत्मा होती है। वो डॉक्टर से कहते हैं आपको जो करना है, चाहे इसके जो भी साइड इफेक्ट हो, कोई बात नहीं, आप इसे कीजिए, मैं मरने को तैयार नहीं, मुझे मरना नहीं है, मैं घर वापस जाऊंगा। देखिए, ऐसे लोग वो तो डॉक्टर में इतनी दिलचस्पी लेकर आते हैं कि डॉक्टर उनकी ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनका उपचार करते हैं, उपचार करते हुए खुशी होती है, उन्हें अच्छे होते देखना चाहते हैं, और ऐसे कहते हैं कि आधी रात को वहां पर उस मरीज को देखने के लिए आते हैं, ऐसे मरीज को देखने के लिए कि वो किस तरह से हैं, क्योंकि वो इस व्यक्ति में दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जीने में दिलचस्पी लेता है, जीना चाहता है, हिम्मत नहीं हारता है। जानते हैं, यह अद्भुत है। संसार में लोगों ने जाना है कि शब्दों में बहुत सामर्थ है, विश्वास में, भरोसे में इतनी सामर्थ है। जानते हैं कि सबसे बुरी दशा के लोग भी विश्वास करते शब्द कह सकती हैं जो उन पे ऐसा प्रभाव डालता है और जो उनका उपचार कर रहा है उस पर भी। ये जो इंटरेक्शन है इतनी प्रभावी होती है कि ये अच्छे परिणाम लेकर आती हैं। हाँ, ये चीज़ तो लिखी गई है और हर जगह लोग इसे पढ़ते हैं, लोग इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन चर्च में इस पर ज़्यादा प्रचार करना पड़ता है कि लोगों को समझने में मदद हो। जानते हैं, ये सब बाइबल में है, बाइबल हमें ये बताती है। अब देखिए नीतिवचन 17 27 और 28, जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वो समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है और जो अपना मुंह बंद रखता है वो समझ वाला गिना जाता है। नीतिवचन की किताब देखिए शब्दों के बारे में कहती है जो लोग अपने शब्दों का बिना नाप से अपने होठों का उपयोग करते हैं ये उन्हें मूर्ख कहती है। मूर्ख क्या है? जो व्यक्ति अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रखता है वो मूर्ख है नीतिवचन के अनुसार। याक, जानते हैं, ऐसा आदमी जो हमेशा बातें करते रहता है वो मूर्ख है, ये कहती है। बुद्धिमान कौन है? नीतिवचन की किताब कहती है जो अपना मुंह बंद रखता है, चुप रहता है और गिन चुन कर ही उसे खोलता है, जानते हैं, सावधानी से उपयोग करता, वो बुद्धिमान है। चलिए वचन 27 के लिए एक और ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अनुभव को शब्दों का उपयोग करता है, पहचान दिमाग शांत रखती है। अच्छा अनुवाद है ये। वचन 28, यहां तक कि मूर्ख भी जब चुप रहता है तो उसे ज्ञानी माना जाता है। अपने मुंह को बंद रखें और अपनी समझ को दिखाएं। ये अच्छे से समझने में हमारी मदद करता है। एक और अनुवाद, समझदार व्यक्ति अपने शब्दों को बहुत कम उपयोग करता है और समझदार शांत रहता है। यदि मूर्ख कुछ भी नहीं कहता है तो उसे ज्ञानी माना जाता है। यदि वो मुंह बंद रखे तो उसे बहुत ही ज्ञानी माना जाता है। अद्भुत है। अगर आप अपने शब्दों की सामर्थ पर विश्वास करते हैं तो तुरंत ही आप चुनने वाले होते हैं। तुरंत ही आप जो कहते हैं उस पर आप सीमा लगाते हैं और तुरंत ही आप सोचते हैं कि आप क्या कहेंगे और वो इसके ऊपर में क्या प्रभाव डालता है। तुरंत ही अपने शब्दों के बारे में आप सावधान होते हैं क्योंकि आप अपनी शब्दों की सामर्थ को जान गए हैं। जब आप देखते हैं कि एक व्यक्ति ज्यादा बात नहीं करता है, जब बात करता है तो उद्देश्य के साथ करता है, तो आपको ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो अपने शब्दों की सामर्थ को जानता है और वो व्यक्ति तो सफल होता है जो भी वो करता है उसमें। आमेन। अध्याय 18 वचन 2, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। अब यहाँ हिंदी अनुवाद तो बहुत ही उलझा हुआ सा है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए एक और अनुवाद देखते हैं। मूर्ख समझ की बातों से प्रसन्न नहीं होता है लेकिन केवल अपनी मन की बातों को प्रकट करता है। बाइबल मूर्ख किसे कहती है? ऐसा व्यक्ति जो सुनना नहीं चाहता कि समझ पाए, वो समझ पाना नहीं चाहता है, परिस्थिति को समझना नहीं चाहता है, लेकिन वो हमेशा बोलना चाहता है, हमेशा अपने दृष्टिकोण को बताते रहना चाहता है। अपने दृष्टिकोण को बड़ी खुशी से वो बताता है। हर दिन आप देखते हैं जब कोई कहता है कोई सुनता भी नहीं। जब आप बातें कर रहे हैं वो बोलने के लिए तैयार होते हैं, बुलेट लोड करते जाते हैं। वो आपकी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वो बोलना चाहते, जिस पल आप रुकते हैं वो शुरू कर देते हैं क्योंकि वो अच्छे सुनने वाले नहीं है, केवल बोलने वाले हैं। लिविंग बाइबल इसकी तरह से कहती है। इसी वचन का दूसरा अनुवाद, बलवा करने वाला सच्चाई को नहीं देखता है, वो बस चिल्लाना ही चाहता है। मुझे अनुवाद पसंद है। वो सच्चाई को सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता कि क्या हुआ, परिस्थिति क्या है, किसने क्या किया है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हुआ है। वो सच्चाई को जानना नहीं चाहता है। सच्चाई को जानने के लिए दूसरों की बात सुननी पड़ती है। बस वो यही करना चाहता है, चिल्लाए, चीखें, बस यही। अध्याय 18 वचन 20 देखिए और वचन 21, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानते हैं वो उसका फल भोगेंगे। क्या आप विश्वास करेंगे? वचन 21 के बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है? लगता है बढ़ाकर कहना है क्योंकि ये कहता है मृत्यु और जीवन ये जीभ के वश में, जीभ की सामर्थ में है। जीभ, मनुष्य की जीभ मृत्यु और जीवन का फर्क लाती है। क्या ये सच है? बाइबल जो सिखाती है क्या ये सत्य है? क्या मनुष्य के शब्द जो सामान्य मनुष्य से आते इतने सामर्थी हो सकते हैं कि वो जीवन और मृत्यु का फर्क लेकर आ सकते हैं? आशीष और श्राप भलाई और असफलता क्या इतना बड़ा फर्क ला सकते हैं? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारे शब्दों का कोई अर्थ नहीं, लेकिन बाइबल तो इसका उल्टा ही कहती है कि ये इतने महत्वपूर्ण है कि ये फर्क लेकर आते हैं जीवन और मृत्यु का। At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight. At the cross, where I first saw the light and the burden.